नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से 6 दिसंबर यानी आज श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद संभावित टकराव की आशंका के मद्देनजर जिला पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा को देखते हुए शाही ईदगाह के पास से गुजर रही मथुरा वृंदावन रेल लाइन को बंद कर दिया है। भूतेश्वर चौराहे से लेकर मसानी तक का रास्ता प्रशासन ने बंद कर दिया है। भरतपुर गेट से सद्भावना चौकी डी गेट तक भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। डीएम पुलकित खरे और एसएसपी शैलेश पांडे सद्भावना पुलिस चौकी डी गेट पर बैठकर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने जहां इस आयोजन में शामिल होने के लिए देश विदेश के सनातनी श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया है, तो वहीं दूसरी ओर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिला पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों के साथ साथ चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया है। मथुरा से हमारे संवाददाता राकेश आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारी है, हमने पूरे क्षेत्र को सुपर जोन्स, जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, पीएससी, ट्रैफिक और हमारे सादे वस्त्रों में हमारी अभिसूचना की जो टीम है लगातार इसमें काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि धारा 144 लगी हुई है, ऐसे कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिए जाए जिनकी पूर्व से अनुमति नहीं है। साथ ही साथ इसमें कई लोगों के तरफ से कुछ इनपुट थी जो गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें से कई लोगों को हम लोगों ने नज़रबंद रखा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे कई लोग अफवाहें फैला रहे हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का वायलेशन नहीं हुआ है और जो भी इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कड़ी विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाएगी। आम जनमानस से अनुरोध है कि वो इस तरह की किसी भी अफवाह है जिसमें कुछ आपत्तिजनक चीज डाली गई है और हम उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं, और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि पोस्ट डालने वालों पर FIR रजिस्टर की जा रही है और जो भी इस तरह के भ्रामक सूचनाएं फैलाएंगे उनके साथ कड़ाई से निपटा जाए। सर, अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी लगभग 8 से ज़्यादा लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को भी अप्रीहेंड करके पूछताछ की जा रही है। पूरी सिचुएशन बिल्कुल सामान्य है और जैसा मैंने बताया 144 लगी है। किसी को हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।